All right, good morning. We are going to revise with the second measure of central tendency, that is median. Okay. What is median? Median refers to that value of the variable mass panel, which divides the distribution into two equal parts. ठीक है, कोई भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, सीरीज है, वेरिएबल है, उसको ऐसी वैल्यू जो कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है उसको हम कहते हैं मीडियन. ठीक है, सो मीडियन इज दैट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन सच अ वे दैट 50% आइटम्स lie below median and 50% items lie above it. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपकी क्लास के मीडियन मार्क्स 58 हैं, तो इसका मतलब आपकी क्लास में अगर से 54 स्टूडेंट्स हैं, तो 27 स्टूडेंट्स के मार्क्स 58 से कम है और 27 स्टूडेंट्स के मार्क्स 58 से ज्यादा है. ठीक है, सो दिस इज मीडियन विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स. मीडियन पोजिशनल एवरेज है. ऑलराइट, बिफोर कैलकुलेटिंग मीडियन, कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आ जाए और मीडियन फाइंड आउट करना है, सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, यू हैव टू अरेंज द डेटा. इफ द डेटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड, नथिंग लाइक दैट. बट इफ इट इज अनअरेंज्ड, firstly you have to arrange it. You can arrange it in ascending order, you can arrange it in descending order. ठीक है, never mind that, लेकिन हम एक simple rule रखते हैं, हमेशा हम उसको ascending order में arrange कर लेते हैं. ठीक है जी, more than क्या? हाँ, किसका बेटे? सारे cases होंगे, सिर्फ more than थोड़ी ना होगा, revision चल रही है. ठीक है, so let us first of all see the formulas for calculating median individual series mein. How do we calculate median? Formula is, median is size of n plus 1 over 2th item. theek hai, so do not write median is equal to n plus 1 over 2. It is the size of n plus 1 over 2th item. Right? There is a difference or not? Median is 2 or median is the value of second item. There is a difference. ठीक है, तो ये हमें क्या देता है? Value of n plus 1 over 2th item. 2 से क्यों divide किया? क्योंकि median distribution को 2 equal parts में divide करता है. ठीक है, then coming to discrete series, यहां पर सबसे पहला step हमारा क्या होगा? Data को अरेंज करना, सीरियल नंबर डाल दो और डेटा को अरेंज कर दो. अगर आपकी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है तो उस केस में भी पहले डेटा को अरेंज करना है. डिस्क्रीट सीरीज में दो कॉलम्स होते हैं बेटे, एक्स और एफ का. एफ को नहीं अरेंज करना, किसको अरेंज करना है? एक्स को, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी साथ साथ लिखनी है. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सीरीज गिवन है 2, 4, 7, 3, 8, 6, 1, 3, 2, 1, 1, 2, इसको अरेंज करना है. तो व्हाट डू दे डू? दे फर्स्टली अरेंज एक्स एंड देन दे अरेंज एफ, दैट इज 2, 3, 4, 6, 7, 8. फिर इसको भी अरेंज कर देते हैं 1, 1, 1, 2, 2, 3. Is it right? ऐसे करना है. क्या करना है हमने? हमने फ्रीक्वेंसी को अरेंज नहीं करना. इसको इस तरह से सोचो, ये स्टूडेंट्स हैं, ये इनके बैग्स हैं. तो जब हमने स्टूडेंट्स की सीट्स रीअरेंज करी तो वो अपना बैग खुद लेके जाएंगे अपनी सीट पे या नहीं? तो इसका बैग इसके साथ जाएगा या नहीं? ठीक है, तो इसको ऐसे अरेंज करना है. पहले एक्स को अरेंज कर दो, उसके बाद देखो टू की फ्रीक्वेंसी क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग, 1, तो 2 के साथ 1 जाएगा. 3
थ्री की क्या है वन, थ्री के साथ वन जाएगा, फोर की थ्री, सिक्स की टू, सेवन की भी टू और एट की वन, उसको अरेंज नहीं करना है, वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, वो उसके साथ साथ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी अरेंज द डेटा इन डिस्क्रीट सीरीज। सेकेंड स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम निकालना, उसके बाद फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू साइज ऑफ कैपिटल एन प्लस वन ओवर टूथ आइटम, ठीक है, कैपिटल एन प्लस वन। यहां पर कैपिटल एन और स्मॉल एन में क्या फर्क है बेटे, एनीवन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एन एंड कैपिटल एन? कैपिटल एन रेफर्स टू सिग्मा एफ, ठीक है, ये मैंने आपको बोला नंबर ऑफ, ये आपके मार्क्स हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, अगर ये कॉलम नहीं है सिर्फ ये कॉलम है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, इसको मैं स्मॉल एन से रेफर कर सकती हूँ। लेकिन अगर ये आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब एक स्टूडेंट के मार्क्स टू है, तीन के चार है, दो के सात है, एक के तीन है, एक के आठ है, दो के छह है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में कितने हैं, फोर सिक्स सेवन एट नाइन टेन, Isn't it? So this is capital N, sigma F. तो discrete series में हमने small n नहीं लेना, क्या लेना है? What is capital N? Sigma F. ठीक है? Coming to continue series, सबके questions करेंगे बेटे अभी. M, size of n over 2th item. यहां पर भी सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है, ठीक है, उसके बाद सी एफ का कॉलम बनाना है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला है, साइज ऑफ एन ओवर टू एथ आइटम, प्लस वन नहीं आना, एन ओवर टू एथ आइटम, कोई ऐसा लॉजिक नहीं, हमने हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे, वी डोंट गो फॉर लॉजिक्स इन प्लस वन और प्लस टू, ठीक है, एन ओवर टू एथ आइटम। अब इससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, हमें ये पता चले जाएगा कि मीडियन लाइज इन विच क्लास इंटरवल, क्योंकि कंटिन्यू सीरीज क्लास इंटरवल्स में है, ठीक है, तो क्लास इंटरवल के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो नहीं पता चलेगी। तो उसके लिए हम एक टेक्निक एडॉप्ट करते हैं जिसको कहते हैं इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन टेक्निक। तो ये फॉर्मूला जो होता है इसको कहते हैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला, सबको याद होता है वैसे तो, एम इक्वल्स एल प्लस एन बाय टू अपॉन एफ इंटू आई, ठीक है। सो ये आपके फॉर्मूलाज हो गए मीडियन के। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। यू वॉन्ट मी टू रिवाइज इंडिविजुअल सीरीज एज वेल के डिस्क्रीट? चलो जी सारी करवा देते हैं जी, डिवीजन थोड़ी ना चल रही है, आप भी सारी साथ साथ करेंगे, राइट डाउन, फाइंड आउट मीडियन मार्क्स। आपको मार्क्स गिवन है, नोट डाउन कर लीजिए, सेवेंटीन, थर्टी टू, थर्टी फाइव, थर्टी थ्री, फिफ्टीन, ट्वेंटी वन, फोर्टी वन, थर्टी टू, इलेवन, टेन, ट्वेंटी। इंडिविजुअल सीरीज है, सबको पता चल रहा है इंडिविजुअल है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, अरेंज द डेटा। तो उसके लिए हम एक सिंपल काम करते हैं, हम सबसे पहले सीरियल नंबर डाल देते हैं ताकि हमारी कोई आइटम स्किप ना हो, ठीक है, वन टू
Now we will arrange the data in ascending order. That is minimum value first, 10, 11, 15, 15, 17, 20, 21, 32, 32 again, 33, 35, 41. ठीक है, सो फॉर्मूला लिख लीजिए. व्हाट इज मीडियन साइज ऑफ एन प्लस वन ओवर टू एथ आइटम. व्हाट इज एन हेयर? 11. यहां से पता चल जाएगा, काउंट करने की जरूरत नहीं है, एक दो तीन करके, इसीलिए सीरियल नंबर डाल लिए थे. 11 प्लस वन, 12 डिवाइडेड बाय टू, 6. सो मीडियन इज नॉट 6, मीडियन इज size of sixth item. So here it is 6. What is the value of sixth item? 21. So median is 21 marks. मतलब इस क्लास में जिसमें 11 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ है, इसके मीडियन मार्क्स 21 है, यानी कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 21 से कम है और 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 21 से ज्यादा है. ठीक है, got it? Okay. अब डिस्क्रीट करें. सो राइट डाउन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन. यू आर गिवन डिस्क्रीट सीरीज, एक्स की वैल्यूज आपको गिवन है 2 से लेकर 10 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फ्रीक्वेंसी कॉलम इज गिवन 2, 3, 8, 10. 12, 16, 10, 8, and 6. First step, data को arrange करना है. Data is already arranged or not? X को देखना है हमने. X arranged है. Okay, one thing done for you. Next step is to calculate cumulative frequency. Cumulate कर दो, add कर दो. 2 + 3 + 8 + 10 + 12 + 16 + 10 + 8 + 6. ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला. साइज ऑफ n plus 1. What is n here? Sigma f is? (75 + 1/2th item). 76 divided by 2. Size of 38th item. अब 38th बच्चे के मार्क्स कितने हैं हमें कैसे पता चलेगा? 35 बच्चों के 6 तक मार्क्स आए हैं, 51 के 7 तक, तो 38 lies in 51 or not? मतलब हमें देखना है CF next higher to 35, which is 51. 51 के नीचे लाइन लगा दी, 51 के अगेंस्ट वैल्यू ऑफ एक्स 7. सो मीडियन मार्क्स आर 7. 7 मीडियन है, यानी अगर ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और 75 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो ऑलमोस्ट 37 बच्चों के मार्क्स 7 से कम है, 37 बच्चों के मार्क्स 37 से ज्यादा है. ठीक है, गॉट इट? कैसे कैलकुलेट करना है? पहले सी एफ कैलकुलेट करनी है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइज ऑफ एन प्लस वन ओवर टू है, फिर जो फॉर्मूला से आंसर आया उसको सी एफ में देखना है, सी एफ में उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू ले लेनी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू को क्या कह देते हैं? मीडियन. सुयश मास पहन ले बेटे. ठीक है, आगे चले.
कंटिन्यू सीरीज, अगेन कंटिन्यू सीरीज आर ऑफ मेनी टाइप्स, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, अनइक्वल, मिड वैल्यू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ओपन एंड सीरीज। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव तो सिंपल होती है, उसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अगर इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन आ जाए एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट मीडियन, व्हाट विल यू डू? यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। मीन में नहीं करते, मीडियन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं आपने ऐसा किया कि रफ, अब क्योंकि एमसीक्यूज हैं, ठीक है, आपका मैंने सोल्यूशन तो नहीं चेक करना, मैंने आपका आंसर देखना है ना। तो आप रफ वर्क में कर रहे हो अपना क्वेश्चन, आपने नहीं किया कन्वर्ट, आपने सारा सम सॉल्व कर लिया, आप भूल गए इसको कन्वर्ट करना, बाद में आपको याद आया कि मैंने इसको एक इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना था, तो इंस्टेड ऑफ क्रॉसिंग दी सम, डूइंग इट अगेन, व्हाट यू विल डू इज, लेट अस से आपका ये आ रहा था मीडियन 39 प्लस सो एंड सो, ये वैल्यू आप पूरा रहने दो सब, आप सिर्फ ये वाली जो मीडियन क्लास इंटरवल है इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, सपोज आपकी ये थी 32 39, ये आ गई आपकी 42 49, ये था आपने कन्वर्ट नहीं किया, आपने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। नाउ यू रियलाइज योर मिस्टेक। ठीक है, यू डोंट नीड टू, आप रिवाइज करते हुए आपको मिस्टेक अपनी पता चली। बेटे जो रफ वर्क भी करोगे ना, थोड़े मैनेज्ड वे में करना, ताकि आपने जब रिवाइज करना है आपको ये ना हो कि कोई सम कहीं पेज के नुक्कर पे किया हो या कोई किसी नुक्कर पे किया है। आप रफ वर्क भी ऐसे ही करना जैसे फेयर में करते हैं। आपके पास बहुत स्केल, ये नहीं मैं कहती स्केल से लाइनें लगाने लग जाना, लेकिन एक पेज पे, मतलब एक ये पेज है आपके पास, तो ऐसे नहीं कि आधा सम इधर आधा इधर आधा इधर करना है, एक सम के बाद ही दूसरा सम करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर डाल के करना है रफ वर्क में भी, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको कोई मुश्किल ना आए। नाउ यू रियलाइज योर मिस्टेक, सो उस केस में आपने सिर्फ ये कट करना है। अब इसको कन्वर्ट कर दो, इसमें से 0.5 माइनस होना है, इसका गैप 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5, 0.5 माइनस होना है, तो यहां पे क्या आ गया, बाकी सेम रहने, यानी आपके आंसर में से सिर्फ 0.5 कम होना है। ये बात हुई, सो यू कैन रेक्टिफाई इट हेयर ऑल्सो, डोंट जस्ट क्रॉस होल ऑफ द क्वेश्चन, बट डू रिमेंबर इट इज मस्ट टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इन टू एक्सक्लूसिव सीरीज बिफोर कैलकुलेटिंग मीडियन। ठीक है, पता चल गया। अच्छा, अब अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो अनइक्वल को भी इक्वल में कन्वर्ट करना होता है। मीडियन में सारी ऐसे याद रखो, मीन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सब में करनी पड़ेगी, मीडियन में सारी एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, वैसे मीडियन में अनइक्वल को इक्वल करना थ्योरेटिकली इट इज नॉट रिक्वायर्ड, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। ठीक है, दोनों तरीके से ठीक रहेगा। मिड वैल्यूज गिवन है तो उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करो। ठीक है, ओपन एंड सीरीज गिवन है तो, यानी कि फर्स्ट क्लास और लास्ट क्लास की लिमिट्स, फर्स्ट की लोअर लिमिट, लास्ट की अपर लिमिट में से, तो कोई जरूरत नहीं निकालने की, क्योंकि हमारा, हमारी वैल्यू मिडल में से ही आनी है, मीडियन है ना, उसने मिडल में से ही आना है, तो फर्स्ट और लास्ट की हमें इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो कन्वर्ट करना है, सिंपल में कन्वर्ट करना है। करें क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लेस देन एंड मोर देन। मैं एक लेस देन वाला क्वेश्चन करा रही हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक मोर देन वाला क्वेश्चन कर लेंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन, यू आर गिवन द डेटा। Write down
वेजेस, साथ साथ करेंगे आप, लेस देन 10, नंबर ऑफ वर्कर्स, सबसे पहले क्लास इंटरवल्स बनाएंगे। पहली क्लास इंटरवल क्या आएगी, 0 to 10, फिर कंटिन्यूटी में आ जाएंगे बेटे, लास्ट क्या आएगी, 2nd कॉलम क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करना है, ये क्यूमुलेटिव गिवन है ना, आपको इसमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, सिंपल में। कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, हायर माइनस 35 माइनस 15, 60 माइनस 35, 84 माइनस 60, 96 माइनस 84, 127 माइनस 96, 198 माइनस 127, 250 माइनस 198, ठीक है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको एज इट इज उठा के रख यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं बेटे उससे आपको अपनी गलती नहीं पता चलेगी, और कई बार बच्चे इसको दोबारा लिखते भी नहीं है, वी नीड टू राइट कैलकुलेट राइट सी एफ एज वेल एज कैलकुलेट सी एफ ऑन अवर ओन। सो फर्स्ट एज इट इज, अब क्यूमुलेट करना है ना, एड करते जाओ, तो कोई भी गलती होगी तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, सो वी हैव डन इट फेयरली वेल, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, क्योंकि कंटिन्यू सीरीज है, प्लस वन नहीं आता है, साइज ऑफ एन बाय टू एथ आइटम हो गया 250 डिवाइडेड बाय 2, 125th आइटम 125 को इसमें देखो है कहीं सी एफ में, उसे नेक्स्ट हायर ही लेते हैं, हमेशा नेक्स्ट हायर लेते हैं, ठीक है। क्या आ गया, इसके नीचे लाइन लगा दी, ये हमारा एल है, नाम देते जाओ इनको, ये हमारा एफ है, ब्रैकेट में लिखते जाओ, और ये और इसके पीछे वाला ये नहीं लेना, प्रीवियस, ये हमारा सी एफ है, ठीक है। फॉर्मूला मीडियन कैलकुलेट करना है, एल व्हाट इज एल, प्लस एन बाय टू 125 माइनस सी एफ ओवर एफ एफ 31 इंटू आई 10, मीडियन क्लास इंटरवल का डिफरेंस लेना है। सो इन दिस वे विल गेट द आंसर 31, 31 आया ना, ये 31 ओवर 31 वन, 1 इंटू 10 तो 50 प्लस 10 60 आया, एक मिनट क्या हुआ है, 29 राइट, 290 अपॉन तो 50 प्लस 9 पॉइंट समथिंग, 59.3 इज योर आंसर, वन डेसिमल।
बाकी हो सकता है एमसीक्यू के ऊपर ही आप देख लो, वहीं से पता चल जाएगा आपको। चार ऑप्शंस जब गिवन ही है तो देख लेना करेक्ट आंसर। हाँ कैसे मतलब सॉल्व करके आया और कैसे फाइंड आउट किया है? ये 290 है, 29 × 10/31 50 में ऐड कर दिया। ठीक है मोर देन का क्वेश्चन देखो, क्योंकि मोर देन का हमने उसमें भी नहीं किया था मीन में। सो लेट्स फाइंड वन क्वेश्चन रिलेटिंग टू मोर देन डेटा। जी लिखिए कैलकुलेट मीडियन। मार्क्स गिवन है आपको मोर देन जीरो। नो नॉइस बच्चे। मोर देन 5, 10 लिखते जाओ साथ साथ। ठीक है मास्क ऊपर करो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है आपको। यहां तक रहने दो 35 तक, नीचे वाला जीरो ही है सो लेट इट बी। ठीक है कौन सी सीरीज है ये? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। सबसे पहले क्या करेंगे सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल्स। मोर देन जीरो है और अगला मोर देन 5 है तो पहली क्लास इंटरवल क्या बनेगी? कंटिन्यूटी में लास्ट वुड बी 35 to 40। अब इसको एज इट इज लिख दे। ये क्या है इसको क्या करना है? सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। मैंने जैसे बताया था वैसे ही अडॉप्ट करो। लास्ट एज इट इज, लास्ट क्या है तो इसके आगे 5 लिख दिया, फिर ऊपर चलेंगे हायर माइनस लोअर। 100 − 96, 96 − 90, 90 − 80, 80 − 70, 70 − 45, 45 − 23, 23 − 5। ठीक है अब अगर आपको याद हो मैंने कहा था लेस देन में बेटे एज इट इज नहीं उठा के लिख देना। उसका एक कारण ये भी था अगर आप लेस देन में एज इट इज उठा के लिख दोगे तो मोर देन में भी एज इट इज उठा के लिख दोगे अपना काम आसान करने के लिए, पर वो गलत हो जाएगा। वो लेस देन फॉर्म में क्यूमुलेटेड है, ये मोर देन में। और जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं हम क्यूमुलेटिव निकालते हैं, वो लेस देन फॉर्म में कर निकालते हैं। तो अब इसका हमने सी एफ कैसे निकालना है? लेस देन में यानी ऊपर से 4 + 6, 10 + 10, 20 + 10, 30 + 25, 55 + 22, + 18 + 100। जस्ट टू बी श्योर इसका टोटल चेक कर लो, शुड बी इक्वल टू 100। ठीक है आदित्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे साथ साथ? नहीं एम आई मूविंग टू फास्ट? साइज ऑफ एन ओवर टू एथ आइटम व्हाट इज एन? 100/2, 50 को कहां देखना है? सी एफ में। सी एफ में नेक्स्ट हायर टू 50 इज
नीचे लाइन लगा लें तो बस इनके नामकरण कर दो इनका, ये एल है हमारा, ये एफ है हमारा, ये सी एफ है हमारा, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, एल हमारा क्या आया 20, एन बाय 250, सी एफ 30, ओवर एफ 25 इंटू 5, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। यस आई हर्ड विट इट।